वेलकम बैक। सो मेरा काफ़ी दिनों से मन था कि हम हाउस पार्टी करते हैं, तो मैंने सौरभ और सर से कहा, वो लोग भी रेडी हो गए, तो हम आ गए थे सर के फ्लैट पे। आज हम वहाँ पे डिनर वगैरह करने वाले थे और ये रहा यहाँ का पार्किंग एरिया। हमने कार वगैरह पार्क करी और उसके बाद हम लोग निकल गए लिफ्ट से फ्लैट की तरफ। अच्छा, उसमें क्या खटकी आवाज आने लगी। हम आ गए हैं यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे, क्योंकि सर का जो फ्लैट है वो है सेकंड फ्लोर पे। और जैसे ही हमने एंटर किया फ्लैट में, आश्वित की मस्ती एज यूजुअल स्टार्ट हो गई, क्योंकि उसे बड़ा ही अच्छा लगता है नए नए जगह पे एक्सप्लोर करना। कहाँ पे आ गए? हेलो आशु। अरे 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 अरे, यहाँ पे भी फोन आशु क्या कर रहा बेटा? और मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि हमारी गाड़ी कहाँ पे पार्क हुई है, जिससे कि सोसाइटी वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो कि एक एक्स्ट्रा गाड़ी आके यहाँ पे लगा दी किसी। सौरभ आ गए हैं यहाँ पे किचन में, क्योंकि उन्हें सारी चीज़ें पता है, वो यहाँ पे आते रहते हैं, तो वो निकाल रहे हैं प्लेट्स वगैरह, स्पून वगैरह, क्योंकि हम लोग स्टार्टर्स वगैरह खाने वाले थे, तो उन्हें सारी चीज़ें पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी हुई है, तो वो अपना यहाँ पर काम स्टार्ट कर दिया उन्होंने। एसी ऑन है बेटा। और यहाँ पे आश्वित की चल रही है ढेर सारी मस्तियाँ, क्योंकि उसे नई जगह पे घूमना जाना एक्सप्लोर करना बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं विजिट कर रही थी सर का फ्लैट, मतलब मैं होम टूर ले रही थी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ अंक एस बघेल। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और अभी हम आ गए हैं सर के घर पे, क्योंकि आज यहाँ पे हम करने वाले हैं डिनर। तो बस बने रहिए आप भी ब्लॉग में। अच्छा लग रहा ना सर के यहाँ पे आगे बेटे, वो यूजफुल है ना, इंडक्शन वगैरह ये सब। क्या बेटा? सारी गाड़ियाँ उसके लिए पीपी है, उसको गाड़ियों का नाम नहीं है, पीपी है बस। इतना तो बहुत है, क्योंकि मैं भी घर में अकेली रहती हूँ ना, इतना मेरे को होता नहीं। सो मैं यहाँ पे बना रही हूँ ऑमलेट अभी। प्याज कट कर रही। आप हंस क्यों रहे? इतना गंदा रिएक्शन कैसे हो सकता है यार किसी का? हद हो गई। तो मैंने अभी इंडक्शन पे रख दिया है, कढ़ाई रख दी है, ऑयल डाल दिया है, और यहाँ पे मैंने कट किया है अनियन और मिर्ची, और यहाँ पे है कोरिएंडर लीफ, और यहाँ पे रखे हुए हैं एग्स, और यहाँ पे खेल रहे हैं आश्वित सिंह, है ना आशु? ओके, क्या चल रहा है? हाँ हेलो, क्या चल रहा है? हाँ एग्जैक्टली, वो ब्रेड ऑमलेट क्या बनाया था कि लाइव कब? हाँ यूट्यूब पे दिखाया। सो यहाँ पे एग भुर्जी बनकर रेडी है सर, पता नहीं टेस्ट में कैसी होगी, पता नहीं है। मुझे पता है बहुत अच्छा होगा। सर आप ये सिर्फ कैमरे के लिए बोल रहे हैं, मुझे पता है। मेमोरेबल होने वाली है। आशु आशु डांस करो, डांस करो, फटाक से डांस करो। ओ ऑनलेस डाल देंगे एकदम सुदर्शन। आशु क्या कर रहे बेटू? आशु 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 कितने बजे आता है, कितने बजे जहाँ तक कुछ पता ही नहीं। आशु ये अच्छा शूज रख दो। अच्छा मम्मा की वो तो लेके आओ, मम्मा का वॉलेट वगैरह जो क्या चार्ज, क्या चार्ज करना है? अच्छा
गाड़ी चार्ज करनी है। सो, यहाँ पे आ गई इतनी सारी चीज़ें जो कि सर के घर से आई थी, सर ने पैक कर दी, बट सर इतना नहीं चाहिए, बहुत है ये सब। सर सिर्फ सत्तू चाहिए, बाकी नहीं चाहिए, वो सब नहीं चाहिए। क्या है इट्स वेरी हेल्दी, और भी है लेकिन क्या कौन खाएगा, गर्मियों के लिए तो बेस्ट है ये। आशु क्या कर रहा बेटा? ओके अरे यार इतने संस्कारी नहीं बनो, चलो हाँ चलो क्रॉक्स पहनो, चलो 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 आज तो मुझे भी चिपकाना पड़ रहा है। फ्लैट होना चाहिए। क्या हो बिट्टू? आशु चले, नींद आ रही है? नहीं ले और। आशु बैठ जाओ, आशु बैठ जाओ, आशु आशु। वो फ्लैट ही इतना स्पेशियस है यार, 2 BHK काफी स्पेशियस है उसमें। बॉम्बे में 25,000। काका लॉक खोल दो, लॉक है। हेलो काका, किधर गए? सो गए क्या काका? सो गए, सो ही गए। वो विंडो बंद है ना, उठ गए। अरे यार उनको भी डिस्टर्ब किया हमने। सानु सोनिया कोई और नहीं हो। अब यहाँ का भी लॉक लग गया है। काका काका उठिए, काका काका जग रहे हैं। ये देखो इधर। और यहाँ पर सर ने आशुत को दिया है ये गिफ्ट, जिसमें है लंच बॉक्स, 2 अलग अलग टाइप के बॉक्सेस हैं, ये बैग है और ये है वाटर बॉटल, है ना आशु? अच्छा है। ओके मेरा बच्चा, ठीक है ले लो। सर को थैंक यू बोला था आपने? ठीक है। तो गाइज अभी आ गए घर वापस और काफ़ी लेट हो गया है, रात में 2:30 बज रहे हैं, और अच्छे से डिनर वगैरह इन्जॉय किया, ढेर सारा टाइम स्पेंड किया, साथ में मस्ती करी, खूब इन्जॉय किया, और बस अभी जाएंगे सोने क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको कल। हे गाइज वेलकम बैक। सो आज मैं आप लोग से अभी मिल रही हूँ, 23rd के बाद मैं आज शूट कर रही हूँ ब्लॉग। तो आज की डेट है 27th ऑफ मे, और अभी हम लोग रेडी हो गए हैं क्योंकि अभी क्या है नानी से मिलने जा रहे हैं, उनको ऑपरेशन हुआ था, और मामा जी भी आए हैं तो हमने सोचा कि उनसे भी मिल लेंगे। तो चलिए फटाफट से चलते हैं। सो, मैंने पहन ली है साड़ी, और गर्मी में साड़ी पहनना मतलब मेरे लिए इतना बड़ा टास्क है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। सो, अभी बस हम लोग निकलने वाले हैं, तो चलिए फटाफट से चलते हैं। रेडी ना जी? यस यस। आशु इधर बेटा, से हाय। हाय। हेलो। नानी क्या जा रहे? नन्नी क्या जा रहे? ओह माय गॉड। हाँ अंधेरा दिख रहा? नहीं दिख रहा? अरे बोल रहा है। हाँ नहीं दिख रहा। ठीक है, दिख रही है बहू वाले रूम में। आशु चलो 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 चढ़ जाओ चढ़ जाओ चढ़ जाओ चढ़ जाओ। वेरी गुड। ओके आशु पीछे जाओ पीछे जाओ। आशुत सिंह गाड़ी में ही सो गए। अरे बिट्टू उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। नानी यहाँ पे आ गए। चलो चलो चलो, शुई शुई कर लिया अपनी गाड़ी में। चलो बंदा रहेगा वहाँ डेकोरेशन टाइम पे।
और वो आर्टिफिशियल कुछ फ्लावर्स उसको प्रिया मैडम से बात पता नहीं गर्मी में खाने का मन ही नहीं करता, वो भी नमकीन। हाँ आजकल तो मैं सिर्फ जूस 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 पे जिंदा हूँ, लिक्विड डाइट। सो मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय। सो हम आ गए हैं अभी नानी के यहाँ पे और मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि मुझे बनानी थी चाय। और यहाँ पे है भूमि, क्या करी भूमि? चाय देख रही। तो यहाँ पे दो लोग चाय देख रहे हैं। गर्मी में साड़ी और खुले बाल, मतलब बहुत भारी पड़ रहा है मेरे को खुले बाल। बोलो कुछ। क्या बोलूँ अभी, चाय ना गिर जाए। चाय यार गैस का भी पंगा हो रहा है मेरे को। धीरे करती तो बहुत धीरे हो जाती, तेज करती तो बहुत तेज हो जाती है। सो भूमि निकाल रही है यहाँ पे फैंटा। हम लोग ऑरेंज हो जाएंगे पी के पूरी तरह। इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि चाय पीने की वैसे भी इच्छा नहीं है। एक तुम्हारा जो बर्थडे वाला ब्लॉग है ना, वो बहुत ट्रेंडिंग हुआ था उस टाइम पे, फट से व्यूज आए थे क्योंकि स्कूल वालों ने देखा होगा शायद। क्योंकि मेरे मतलब दोस्त भी देखे थे। हाँ। और वो जो थे ना उसमें वो भी। क्या हो गया, पियोगे फैंटा? पियोगे जूस? पियोगे जूस? फैंटा को कोल्ड ड्रिंक को जूस बोलता है। अशोक इतना शांत शरीफ मत बनो, हो नहीं आप। मुझे तो पता ही यही शरीफ नहीं है। मुझे तो पता ही है। सबको ही पता हो गया अब तो। मैं रही हूं। बहुत ही ये कहता पेट क्यों फुला रहे हो? ये क्या तरीका है इतना शांत? अरे बस बस चलो चलो निकला है पेट, ज्यादा सांस ऊपर करने की जरूरत नहीं। अरे निकला है पता क्या कर रहे हैं, सांस ऊपर खींच के और अपने आप को फिट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पता कोई सांस खींच के अंदर है वो, अभी आप कैमरे के लिए कर रहे हैं ना ये। पीना बिटू ये लो। अभी भी कौन है आशु? आ जाओ बेटा चलो अंदर, मामा जी नहीं है। नहीं है मामा जी, चले गए। चलो तो चलो नहीं रह, रख दो। दिख ही नहीं रहे आप।
आशु हम स्टेशन में आ गए, जाना है आपको? जाना है? कहाँ जाओगे? मोमोज खाने? मोमोज खाने ट्रेन में बैठ के जाओगे? अरे भाई मोमोज यही मिलता है, ट्रेन में जाने की जरूरत नहीं है। सीधा चाइना का मोमोज खाओगे क्या? ट्रेन नहीं जाती बेटू चाइना, फ्लाइट में जाना पड़ेगा। फ्लाइट में जाना पड़ेगा चाइना। अरे यार ओहो गड़बड़ हो गया आपको। अरे मम्मी, अरे मम्मा, हेलो। अभी आ गए घर वापस और मामा जी लोगों से, नानी लोग से अच्छे से मिल लिया, डिनर वगैरह वही कर लिया था। और अभी ये वाला ब्लॉग मैं एंड कर रही हूँ क्योंकि 23rd से ब्लॉग चल रहा है और अभी 27th हो गई है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ गाइज। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।